अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ में हूँ मोहम्मद इमरान जाफर। आज हम एक और ट्रैवलिंग व्लॉग बनाने जा रहे हैं। हमारा सफ़र है मुल्तान से हारूनाबाद बहावल नगर का। जितनी भी दिलचस्पियाँ और जितनी भी खूबसूरतियाँ होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ हम सफ़र रहेंगे इस वीडियो के ज़रिए। इसमें एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी जो सोशल मीडिया की बेताज बादशाह कह लें उस शख्सियत को, तो कोशिश करेंगे अगर इस शख्सियत से रابطہ हो गया और उस शख्सियत से मुलाकात हो गई तो वो भी इस व्लॉग का हिस्सा होगी। जी नाज़रीन, मुल्तान से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है और पसमंज़र में हमारी सवारी भी मौजूद है। इंशाल्लाह चंद लम्हों में यहाँ से बहावल नगर की जानिब आज़मे सफ़र होंगे और तमाम दिलचस्पियाँ, तमाम इस सफ़र की खूबसूरतियाँ मिलकर इंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी नाज़रीन, बहावलपुर की तहसील हारूनाबाद की जानिब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका। मुल्तान से कबीरवाला, खानेवाल, विहाड़ी, हासिलपुर से होते हुए हम हारूनाबाद पहुँचेंगे। हारूनाबाद की आबादी जो है वो 60,000 है। सतह समंदर से ये तकरीबन 18 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इसके अलावा कदीमी बाशिंदे हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर 1947 में माइग्रेशन के बाद काफ़ी तादाद में लोग यहाँ दीगर इलाकों से आकर आबाद हुए। ज़्यादातर यहाँ पर लोगों के कारोबार भी जो दूसरे इलाकों से आने वाले हैं उनके कारोबार हैं और ये खासी मारूफ तहसील है। काफी मारूफ इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर वाके हैं। ये तो मुख्तसर सा तारुफ था हारूनाबाद के हवाले से। इस सफर के हवाले से मजीद जो दिलचस्पियाँ होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। इस वक्त हमारा सफर जो है वो मुल्तान से हम बाहर आ चुके हैं। कादरपुरावा बाईपास जो नेशनल हाईवे 5 कहलाती है उस पर हमारा सफर जारी है। इस वक्त हम जो DHA का गेट है इस हाईवे के ऊपर उसके पास से गुजर रहे हैं। जी नाज़रीन, कादरपुरावा बाईपास का अख्तिताम हुआ और हम N5 पर रवा दवा हैं, लेकिन मज़ीद सफ़र पर जाने से पहले हम फ्यूलिंग करवाएंगे ताकि आगे के सफ़र में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो फ्यूलिंग के लिए फ्यूल स्टेशन पे हम पहुंच गए।
जी नाज़रीन, पौने 2 घंटे की मुसाफत के बाद मुल्तान से हम विहाड़ी पहुंच चुके हैं और यहां से अब हम बरास्ता हासिलपुर हारूनाबाद, अंदाज़ा है कि 2 घंटे का सफ़र है और उसके बाद पहुंचेंगे। जी नाज़रीन, मुख्तसर सा क़याम हुआ विहाड़ी में। हमारे दोस्त यासिर महमूद साहब, इन्होंने सिर्फ चाय का कहा लेकिन बहुत ज़्यादा लवाजमात के साथ इन्होंने हमें इंटरटेन किया। यासिर साहब पहले FM चैनल्स के साथ मुंसलिक थे और अब एक मुस्तफ़ा कमाल इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक हैं। बहुत खूबसूरत इंसान, ज़िंदगी भरपूर जीने वाले, हर वक्त इनके चेहरे पर मुस्कराहट। तो यासिर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आपका FM से इंस्टीट्यूट तक का सफ़र है, ये कैसा रहा आपका? वो शोभा चेंज करना जो है वो आसान नहीं होता, तो ये आपने इसमें ऐसे ही है कि पहले ना बेसिक में अहमदाबाद से हूँ, तो इस्लामाबाद हमारा 99 चैनल है वहाँ पे था, उधर से मैं फिर विहाड़ी आ गया। सही। तो विहाड़ी में 2008 में आया था। सही। तो उस वक्त मतलब था FM का थोड़ा कोई रुझान था, कारोबार भी सही था, बिजनेस वगैरह मिल जाता था। 2020 तक तकरीबन मैं FM रन किया, मैं खुद उसको देखता था। सही। तो उसमें ये था कि जब कोरोना आया था, कोरोना के दिनों में ना काम जो है वो पब्लिक सिटी का जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे हुआ, बहुत सारी चीजें, लोगों के शॉप्स वगैरह जो थी, मार्केट वगैरह, वैसे कोरोना के दिनों ऑफ थी तो नहीं था, इतना कोई रिस्पांस नहीं मेरा था। तो इस वजह से फिर हमें ना FM भी क्लोज करना पड़ गया था, यहाँ ऑफ करना पड़ गया था, क्यों हमारे एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे थे। तो उसके बाद आपने ये बिजनेस स्विच किया, ये एजुकेशन टाइप का बिजनेस? उसके बाद एजुकेशन का हमने लॉन्च किया यहाँ पे विहाड़ी में, नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे किया विहाड़ी में। पहले एक था रहमान, वो UHS पे था, तो लेकिन उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था स्टूडेंट को। फिर अब हमने किया IUB के साथ है हमारी एफिलिएशन, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, 2 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50-50 सीट्स हैं, PSN की होगी, LHV है हमारे पास, OT, MLT, डिस्पेंसर वगैरह, बी फार्मेसी। इस तरह मेरे ख्याल में इस नौयत का ये पहला इदारा होगा विहाड़ी में, पहला इदारा है इस नौयत का, कि जिसमें हमारी बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, जिन्होंने भी पंजाब में जैसी हमारी बिल्डिंग है ऐसी किसी की बिल्डिंग नहीं होगी। तो रिस्पॉन्स भी हमें इस तरह का मिल रहा है कि हमारे पास 50 सीट होती है तो एडमिशन हमारे पास 1000 हो जाती है, माशाल्लाह। तो फिर उसमें हम एंट्री टेस्ट लेते हैं, उसमें बच्चों को जो होती है वो सिलेक्शन होती है उनकी। बहुत शुक्रिया। तो यासिर महमूद साहब एक मेहनती और एक मिलनसार इंसान, तो इनकी जो खसूसी एक लिहाज से ज्यादती की, क्योंकि हम चाय के वादे पे आए थे लेकिन चाय के साथ बहुत हैवी लवाजमात इन्होंने, लेकिन जिस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं वो मेहमान नवाजी उस खित्ते का खासा है, इनको उस चीज़ का मार्जन देते हुए इनकी इस मेहमान नवाजी को जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारा अगला सफ़र हारूनाबाद की जानिब शुरू होगा। जी नाज़रीन, विहाड़ी से हासिलपुर की जानिब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका और हासिलपुर से हम हारूनाबाद पहुँचेंगे। हासिलपुर यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। जी नाज़रीन, मुल्तान से हारूनाबाद तक का सफ़र इख्तिताम पसीर हुआ और इस खूबसूरत विलाग में आपने बहुत से खूबसूरत मनाजिर भी देखे होंगे। तो मज़ीद ऐसे खूबसूरत विलाग्स देखने के लिए ट्रैवलिंग, फूड, फ़न, जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।